इग्नू क्षेत्र केंद्र नोएडा द्वारा आयोजित ऑनलाइन इंडक्शन मीटिंग के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे रीजनल सेंटर द्वारा दिए जाने वाले वेब सपोर्ट के बारे में और सोशल मीडिया के बारे में। आइए शुरुआत करते हैं रीजनल सेंटर नोएडा की वेबसाइट से। इसका एड्रेस है rcnoida.ignu.ac.in। आप यहाँ ऊपर देखेंगे बहुत सारे टैब्स दिए गए हैं। इसमें हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हर एक टैब को ओपन करके देखिएगा और वहाँ पर दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़िएगा ताकि आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता चल जाए। कुछ चुनिंदा लिंक्स के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं पहले स्टडी सेंटर्स। पिछले वीडियोस में आपको स्टडी सेंटर्स की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया है, जो कि आपके एकेडमिक सपोर्ट के केंद्र रहते हैं। आप पाएंगे कि स्टडी सेंटर का एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडीज वो सब यहाँ पर दिए गए हैं। आप स्क्रॉल करेंगे तो रीजनल सेंटर नोएडा के अंडर जितने भी स्टडी सेंटर्स हैं उन सभी की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके चलते हैं, आप पाएंगे यहाँ पर ये कुछ क्विक लिंक्स दिए गए हैं। यहाँ पर असाइनमेंट्स को हम देख लेते हैं क्योंकि असाइनमेंट एक ज़रूरी कॉम्पोनेंट है। वहाँ पर हमने क्लिक किया तो ये जो इग्नू का मेन वेबसाइट है और जहाँ पर असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर्स अपलोड किए जाते हैं, ये वाली विंडो ओपन हो जाती है। तो यहाँ से आपका जो भी प्रोग्राम है उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिंक पर आप जा करके क्लिक कर सकते हैं और वहाँ से अपना असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। और कैसे असाइनमेंट्स बनाने हैं, कैसे जमा करने हैं, उसके बारे में जानकारी असाइनमेंट स्पेसिफिक जो वीडियो आपने देखी होगी, यदि नहीं देखी है तो रिक्वेस्ट करते हैं मैं आपसे कि आप उसको देख लीजिए, वो आपको बना करके जमा करना होगा। यह क्वेश्चन पेपर्स आप देख सकते हैं, क्वेश्चन पेपर्स का लिंक है। यहाँ पर पुराने जो एग्जाम्स हुए हैं, पहले जो एग्जाम्स हुए हैं उनके क्वेश्चन पेपर्स अपलोड किए जाते हैं और आप किसी भी टर्म एंड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर्स को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये वेब लिंक भी हमारे रीजनल सेंटर की वेबसाइट पर दिया हुआ है। साथ ही में अगर हम फॉर्म्स पे जाते हैं तो यहाँ पर कुछ ऐसे फॉर्म्स हैं जिनकी आपको अपनी पढ़ाई के दौरान आपको ज़रूरत पड़ सकती है। आप इनको यहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं और ये भी इग्नू की मेन वेबसाइट से लिंक है। एक ज़रूरी जो लिंक यहाँ पर दिया हुआ है वो है काउंसलिंग शेड्यूल। काउंसलिंग शेड्यूल यानी कि आपकी क्लासेस कहाँ, कब, कैसे होनी है, उस सब के बारे में जानकारी। यहाँ पर अब तक आप देख रहे हैं कि स्टडी सेंटर वाइज लिंक्स क्रिएट किए गए हैं, क्योंकि अब तक काउंसलिंग सेशंस स्टडी सेंटर वाइज ऑर्गेनाइज किए जाते थे, लेकिन इस सेशन के लिए विश्वविद्यालय ने ये फैसला किया है कि काउंसलिंग सेशन स्टडी सेंटर वाइज ना होकर के कॉम्प्रिहेंसिव वे में होंगे। और अभी वो शेड्यूल तैयार हो रहा है, जैसे ही वो शेड्यूल तैयार हो जाएगा उसको यहाँ पर अपलोड कर दिया जाएगा तो हमारे विद्यार्थी उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। और इस बार क्लासेस सिर्फ ऑनलाइन मोड में होंगी, कोई फेस टू फेस क्लासेस नहीं होंगी। तो ये काउंसलिंग शेड्यूल वाला जो लिंक है ये आप लोगों के बहुत काम का है, क्योंकि आपकी क्लासेस कहाँ, कब, कैसे होने वाली हैं वो सारी जानकारी आपको यहीं पर अपलोड की जाएंगी और यहीं से आपको मिलेंगी। उसके अलावा जो भी लेटेस्ट अपडेट्स रीजनल सेंटर की तरफ से होते हैं, न्यू अनाउंसमेंट्स कुछ किए जाते हैं, उनको हम इसी पेज पर अपलोड करते हैं। जैसे कि आप असाइनमेंट्स के बारे में देख सकते हैं, एडमिशंस की लास्ट डेट के बारे में देख सकते हैं, प्रैक्टिकल्स के बारे में डिटेल्स ले सकते हैं। तो जो भी जो विद्यार्थियों के काम की चीज़ें हैं, कुछ अनाउंसमेंट्स रीजनल सेंटर के माध्यम से किए जाते हैं वो सारी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। साथ ही में आप रीजनल सेंटर का एड्रेस और फेसबुक अकाउंट का और लिंक, ट्विटर लिंक, ईमेल आईडी, ये सब आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये तो बात रही वेबसाइट की। चलिए अब हम बात करते हैं रीजनल सेंटर नोएडा के फेसबुक अकाउंट के बारे में। आप ये देखिए rcnoida.ignu, ये रीजनल सेंटर नोएडा का फेसबुक अकाउंट है, फेसबुक पेज है। यहाँ पर हर दिन विद्यार्थियों के लिए आवश्यक जानकारी अपलोड की जाती है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 11 दिसंबर को
इग्नू मेन वेबसाइट, मेन फेसबुक पेज के द्वारा लाइव सेशन कंडक्ट किए जाते हैं। तो 11 तारीख को यहाँ पर जो सेशन ऑर्गेनाइज किया जाना है, उसका टाइमिंग, उसका टॉपिक, ये सब जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, जिसको कि हमने यहाँ पर आपको क्लिक करके दिखा देते हैं कि ये हेडक्वार्टर का ऑफिशियल पेज है, फेसबुक पेज, जहाँ पर इस जानकारी को अपलोड किया गया है, और इसी को हमने रीजनल सेंटर नोएडा के फेसबुक पेज पर भी शेयर कर दिया है, ताकि हमारे जो विद्यार्थी हैं उन तक भी ये सूचना पहुंच जाए और वो भी इन सेशंस का लाभ उठा सकें। हालांकि जो भी लाइव सेशंस कंडक्ट होते हैं, बाद में उन वीडियोस को हम रीजनल सेंटर नोएडा के पेज पर भी शेयर कर देते हैं, ताकि हमारे विद्यार्थी उनको बाद में भी देख सकें। लेकिन यदि आप चाहें तो उन सेशन से लाइव भी जुड़ सकते हैं, अपनी क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं, ताकि हमारे रिसोर्स पर्सन उनको रिप्लाई कर दें। साथ ही में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इंटरैक्टिव रेडियो काउंसलिंग के बारे में जानकारी। तो इग्नू में इंटरैक्टिव रेडियो काउंसलिंग के माध्यम से भी क्लासेस होती हैं, और ये क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं थ्रू रेडियो, जिसमें कि यहाँ देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी दी गई है 105.6 MHz, या फिर आप इसको ऑनलाइन भी कर सकते हैं www.ignuonline.ac.in/ज्ञानधारा के माध्यम से। आप यहाँ पर शेड्यूल देख सकते हैं कि कितने बजे क्लास है, किस टॉपिक पर है, कौन एक्सपर्ट है। साथ ही में आप यहाँ जानकारी पाएंगे टेली कॉन्फ्रेंस के बारे में, क्योंकि इग्नू में टेली कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी ऑनलाइन सेशंस या काउंसलिंग सेशंस कंडक्ट किए जाते हैं, और इसको आप अटेंड कर सकते हैं ज्ञान दर्शन टीवी चैनल पर। और आप देख सकते हैं कि ये इन सर्विस प्रोवाइडर्स के इन इन चैनल पर ज्ञान दर्शन चैनल देखा जा सकता है और क्लासेस अटेंड की जा सकती हैं। यदि आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ज्ञान दर्शन का वेब लिंक यहाँ दिया गया है http://ignuonline.ac.in/ज्ञान दर्शन। ये ऑनलाइन लिंक है, आप इससे भी टेलीकॉन्फ्रेंस जो सेशंस कंडक्ट किए जाते हैं उनको अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप कोई और जानकारी लेना चाहते हैं, कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहते हैं रीजनल सेंटर नोएडा से, और यदि वो आपकी जानकारी एडमिशन रिलेटेड मैटर्स की है, तो आप admission@rcnoida@ignu.ac.in पर मेल कर सकते हैं। असाइनमेंट्स रिलेटेड है तो rcnoida@assignments@ignu.ac.in पर मेल कर सकते हैं। स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज हैं तो ssc@rcnoida@ignu.ac.in। स्टडी मटेरियल तो slm@rcnoida@ignu.ac.in। और इसके अलावा कोई दूसरा अगर मैटर है तो आप rcnoida@ignu.ac.in पर मेल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट एक बार फिर से http://rcnoida.ignu.ac.in। हमारा फेसबुक पेज rcnoida ignu, और हमारा ट्विटर अकाउंट rcnoida.ignu। इसी के साथ हम आपके अच्छे स्वास्थ्य की और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी बात को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।